taught with the name of Allah, the Most Merciful, Most Beneficent, and the Master of the Day of Judgment. Here is Muhammad Bashir, and in this video lecture, we will discuss hypergeometric discrete probability distribution, comparison of binomial and hypergeometric probability distribution, application of hypergeometric probability distribution, and mean and variance of the hypergeometric distribution. So firstly, review the discrete probability distribution. In last lecture, we discussed the discrete probability distribution and binomial probability distribution with its mathematical expression. In probability theory and statistics, basically a probability distribution is a mathematical function that provides the probabilities of occurrence of different possible outcomes in an experiment. A discrete probability distribution gives the probability of every possible value of discrete random variable. In last lecture, we discussed all terms. Today, we will discuss another discrete probability distribution, and that is hypergeometric probability distribution. An experiment is said to be hypergeometric experiment if it fulfills the following properties. आसान लफ्जों में ये कि एक experiment उस वक्त hypergeometric experiment कहलाएगा जब वो ये properties को fulfill करेगा. The first one is the outcome of each trial may be classified into one of two categories, such as success or failure. It's same like binomial distribution. के जो outcome होगी हमारे trial की, जो हम experiment करेंगे, उससे जो results आएंगे, उन results को हम दो categories में classify करेंगे. पहले को success का नाम दिया जाएगा किसी एक को, और दूसरे किसी दूसरे को failure का नाम दिया जाएगा. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा success को label करेंगे और किसको failure label करना है? तो जिसमें हम interested होंगे उसे हम सक्सेस कहेंगे, और जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे अगर वो अपेयर करता है तो वो फेलियर कहलाता है. बहुत ही बेसिक डेफिनेशन ली जाती है कि अगर हम एक कॉइन फ्लिप करते हैं तो अगर मैं हेड के आने में इंटरेस्टेड हूँ और हेड अगर आता है तो ये मेरी सक्सेस कहलाती है. अदरवाइज अगर टेल अपेयर होता है फेस पे तो वो इन प्रोबेबिलिटी टर्म्स ये मेरी फेलियर कहलाती है. डिफरेंशिएट द बाइनोमियल एंड हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. हम आगे यही हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की भी पहली प्रॉपर्टी थी, लेकिन हम आगे जाके फर्दर इसी वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएट करेंगे कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली डिफरेंस कहाँ पे आता है. द सेकेंड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. जैसे हम पहला ट्रायल कर लेते हैं, किसी एक सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, और दूसरे ट्रायल पे वो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है. जैसे ही हम अपने ट्रायल्स को आगे एक्सपेंड करते जाते हैं, हमारी सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हर ट्रायल के टू ट्रायल चेंज होती रहती है. मतलब किसी भी यूनिट के सिलेक्ट होने से अगले यूनिट के सिलेक्ट होने पर असर होता है. द थर्ड इज द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, सेम लाइक प्रीवियस वन, के जो ट्रायल्स हैं वो पहले वाले ट्रायल के रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं. एंड द फोर्थ वन इज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. इट मीन्स डैट के ट्रायल को हमें एक मखसूस टाइम तक फिक्स किया जाएगा करना होता है. हमें अपने ट्रायल को पहले से इसे फिक्स करना है कि हमें अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कितनी बार करनी है. आसान लफ्जों में ऐसे कि हमें एक कॉइन को फ्लिप कितनी बार करना है, हमें कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, हमें ये एक्सपेरिमेंटेशन से पहले डिफाइन करना पड़ता है. फिर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ हाइपरजोमेट्रिक. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक ऐसा फार्मूला होता है, एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते रहते हैं और उसके किसी भी स्पेसिफिक फार्मूला के लिए हम अपनी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते रहते हैं. देन द हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम आवर वैल्यू एक्स, द हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाय द फार्मूला. इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो इंडिकेशंस हैं. द फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्स एंड अनदर इज स्मॉल एक्स. वी विल डिस्कस फर्दर द formula or the probability density for hypergeometric is p at x is equal to small x, n small n and k. ये जो तीन बोल्ड किए गए हैं मैट्रिक्स, ये दरअसल hypergeometric probability distribution के पैरामीटर्स कहलाते हैं. And the function is n minus k, n minus x with a combination of kx and divisor is n combination n c n for x is equal to 1, 2, 3 for n and also 0, 1, 2, 3 for k. Where? ये वो दरअसल चार चीज़ें हैं जो हमें समझनी है हाइपरजोमेट्रिक स्टेटमेंट में. हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि n कौन सा होगा, स्मॉल n कौन सा होगा, k क्या होगा, और x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे. हमें यहाँ इसी पॉइंट पे इसी वैल्यूज पे हमें इसे आइडेंटिफाई करना होगा. n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन. इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, k
किसी दो चीजों को मिलाकर एक पॉपुलेशन बनाई जाएगी, उनके जो दोनों का जो सम होगा वो कैपिटल एन कहलाएगा। हमारे पास सिंपल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, द स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल, जो सैंपल लिया जाएगा या कितने का हम सैंपल लेने जा रहे हैं वो हमारा स्मॉल एन कहलाएगा। इसके साथ ही स्टेटमेंट्स में डिफाइन किया जाता है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 5, अ रैंडम सैंपल ऑफ 7, इट मींस दैट कि जो इतने का सैंपल लिया जा रहा होता है उसे हम स्मॉल एन हाइपरजोमेट्रिक में डिफाइन करते हैं। ये क्या होगा कि इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, इसकी पूरी पॉपुलेशन में कितनी प्रपोर्शन या कितना हिस्सा होता है। आगे हम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, इसे ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा कि के को कैसे हम डिफाइन करते हैं एंड व्हाट इज लोएस्ट लेटर एक्स, एक्स इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये वो पॉइंट होता है जिसमें हमें अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। Here's the comparison between binomial and hypergeometric probability distribution. इस comparative study से हमें यहाँ आसानी हो जाती है binomial और hypergeometric के questions, statements, applications को differentiate करने में। हमें पता चल जाता है कि ये आया ये question binomial distribution का है या hypergeometric distribution का है। The first one is the property of binomial probability distribution, that is the outcome of each trial may be classified into two categories, success or failure. For hypergeometric it is same, the outcome of each trial may be classified into one of two categories, that is success or failure. Isse pehli jo property isse define kiya hota hai yahan ke binomial और हाइपरजोमेट्रिक में जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उन एक्सपेरिमेंट की दो कैटेगरीज होती हैं जिन्हें सक्सेस या फेलियर ही लेबल किया जाता है। पहली प्रॉपर्टी से दोनों ही आइडेंटिकल हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी। सेकंड प्रॉपर्टी फॉर बाइनोमियल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, डेट वॉज डिनोटेड इन अवर लास्ट लेक्चर बाय पी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब जितनी मर्जी बार अपने ट्रायल को रिपीट करते जाएं आपके सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। इट मींस दैट कि हम जितनी मर्जी बार अपने कॉइन को फ्लिप करते रहें हमारे पास हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है अगर हम हेड में इंटरेस्टेड हैं वो कांस्टेंट रहती है। इन हाइपरजोमेट्रिक वाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। हाइपरजोमेट्रिक में क्या होता है कि हमारे पास जो जैसे ही हम अपने ट्रायल्स को एक्सपेंड करते हैं बढ़ाते जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो चेंज होती रहती है। थर्ड फॉर बाइनोमियल इज द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, जैसे कि सेकंड से हमें एक्सप्लेन होता है कांस्टेंट रहती है, कोई इफेक्ट नहीं आता प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे। सेम फॉर थर्ड एंड हाइपरजोमेट्रिक द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, चेंज होती है ट्रायल टू ट्रायल तो डेफिनेटली वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, हर एक ट्रायल पहले वाले ट्रायल पे डिपेंड करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी। द फोर्थ वन इज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, अब हाइपरजोमेट्रिक द सेम इज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी हमें हाइपरजोमेट्रिक और बाइनोमियल में फर्क मेजर चेंज आता है वो सेकंड एंड थर्ड कॉपी में आता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हाइपरजोमेट्रिक में चेंज होती है ट्रायल टू ट्रायल्स लेकिन बाइनोमियल में कांस्टेंट रहती है। तो हाइपरजोमेट्रिक में जो ट्रायल्स होते हैं हमारे वो डिपेंडेंट होते हैं और बाइनोमियल में वो ट्रायल्स होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। हियर इज द एप्लीकेशन नंबर वन, एप्लीकेशन मीन्स कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम, कोई भी एक स्टेटमेंट। एन अर्न कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, अ सैंपल ऑफ 4 बॉल्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न विदाउट रिप्लेसमेंट, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स कंटेन्ड इन द सैंपल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करेंगे, यहाँ एक हिंट इंक्लूड करते जाएं हम अपनी वीडियो में वो ये है कि हाइपरजोमेट्रिक के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स में हमें एक बात बड़ी क्लियर नज़र आती है जो हिंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं, वो ये है कि पॉपुलेशन फाइनाइट होती है। पॉपुलेशन के बारे में आपको पता होता है, पॉपुलेशन के बारे में एक गिवन होता है, आपको बताया जाता है कि एक पॉपुलेशन है, एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है चीज़ों का या लोगों का, वो 50 लोग चीज़ें हैं या 50 लोगों का ग्रुप है। पॉपुलेशन के बारे में कैपिटल एन के बारे में आपको नोटिफिकेशन दी जाती है। जो सैंपलिंग की जाती है सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है हाइपरमेट्रिक में, और ट्रायल्स जो हैं वो ट्रायल्स डिपेंडेंट होते हैं। सो आई एम ओवरव्यूइंग द स्टेटमेंट अगेन, एन अर्न कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, इसका मतलब है कोई एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड बॉल्स और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अ सैंपल ऑफ 4 बॉल्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम अर्न विदाउट रिप्लेसमेंट, एक सैंपल 4 बॉल्स का उस अर्न से लिया जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट।
देखें यहाँ क्वेश्चन में हमें विदाउट रिप्लेसमेंट के आइडिया हुआ, जब भी स्टेटमेंट के अंदर विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा डिस्क्रीट नेचर में तो हमारी जो फेवर होती है वो हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स कंटेंड इन द सैंपल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। इस स्टेटमेंट को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्लीनली स्टडी करना होता है, हमें कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, इसमें देखें क्या पता चलेगा हमें। फर्स्ट वन इज हाइपरजोमेट्रिक के लिए, या फर्स्ट हमने ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस क्वेश्चन में सिंपल गिवन है कि विदाउट रिप्लेसमेंट तो हाइपरजोमेट्रिक की तरफ आ सकते हैं, या दूसरा है कि जी दो चीज़ें रेड बॉल्स और ब्लैक बॉल्स को मिलाकर एक अर्न बनाया गया, एक पॉपुलेशन बनाई गई है 10 यूनिट्स की, फिर उसमें से 4 सैंपल लिया जा रहा है, यानी फाइनल पॉपुलेशन के बारे में बताया गया तो उसमें से सैंपल लिया गया, तो हाइपरजोमेट्रिक फेवर करेंगे। हियर अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट कैपिटल एन इज नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन, इट मींस दैट इन दिस स्टेटमेंट 4 are red and 6 are black, इट मींस टोटल इज 10 एलिमेंट्स इन अवर स्टडी, सो कैपिटल एन विल बी 10, स्मॉल एन लोअर केस एन दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल, दैट इज द इन फर्स्ट लाइन अ सैंपल ऑफ 4 बॉल्स is selected is to be taken, जो sample लिया जाता है उसे हम small n से define करते हैं, that is 4. In that example we will study the k, what should be the value of k here, k is number of success in the population, population में जिस चीज़ में हम interested होते हैं उसकी कितना proportion है, उसमें population में उसका कितना हिस्सा है वो k कहलाता है। आसान लफ्जों में इसी statement समझते हैं, तो देखिए लिखा let x be the number of red balls contained in the sample, यानी कि हम red balls में interested हैं तो पूरी population में रेड बॉल्स कितनी थी, 4 रेड बॉल्स थी, तो के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों होगा 4? 4 इसलिए होगा क्योंकि पोर्शन ऑफ रेड बॉल्स इन द पॉपुलेशन दैट वाज द 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, सो के विल बी 4। सॉल्यूशन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोबेबिलिटी एट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स एन स्मॉल एन एंड के 10, एन के बजाय अब मैं फंक्शन में पुट करता जा रहा हूँ एन इज इक्वल टू 10, k is equal to 4, small n is equal to 4 minus x as it is, k की बजाय 4 रिप्लेस किया, capital N के बजाय 10, small n के बजाय 4। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि find the probability distribution of x, find the probability distribution, इसका मतलब x की मुमकिन तौर पर जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें, चार का सैंपल है तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक भी रेड बॉल ना आए, चार चार ब्लैक बॉल्स आ रहे हैं, तो x is equal to 0 पहला आएगा, फिर x is equal to 1, इसी तरह मैंने लाइन के नीचे लिखा है probability distribution, वही x is equal to 0, then x is equal to 1, then x is equal to 2, then x is equal to 3 and x is equal to 4 in equation 1। इसी तरह हम इसी इक्वेशन में पहले 0 पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 10 4 4 0, जहाँ जहाँ एक्स था ऊपर वहाँ वहाँ 0 पुट किया तो 15/2 10 आंसर आया। इसी तरह आप एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इसी तरह एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। हियर इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ होम ओनर प्लांट्स 3 बल्ब्स सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 4 tulip bulbs एंड 8 daffodil bulbs, what is the probability that he planted 3 daffodil bulbs, that is a simple statement of hypermetric statement, se hame samajhna hota hai hypermetric kaise lagegi। dekhe pehli baat hai ki usne do cheeze ko milakar ek population banayi ki random a box containing 4 tulip and 8 daffodil bulbs, ek aisa box hai jiske andar 4 tulip bulbs aur 8 daffodil bulbs hain, do cheezon ko milaye finite population create kar di, well total population hogi, theek hai। ab usme se 3 bulbs jo hain plants kiye jayenge, select kiye jayenge randomly, मैंने कहा था जो सिलेक्ट किया जाएगा वो स्मॉल एन कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। सो हेयर इज कैपिटल एन इज 12, स्मॉल एन इज 3, के व्हाट शुड बी द के, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही प्लांटेड 3 daffodil bulbs, द लास्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट इज 3 daffodil bulbs, इट मींस दैट आवर इंटरेस्ट इज इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैफोडिल बल्ब्स, राइट ना। सो हमारा इंटरेस्ट डैफोडिल बल्ब्स में है तो के क्या हो जाएगा, पूरी पॉपुलेशन में कितने डैफोडिल बल्ब्स हैं वो हमारा के कहलाएगा। सो k will be 8 in our example and x will be the point to which we have to find the probability, is point pe probability find karni hai, what is the probability that he planted 3 daffodil bulbs, so the x will be 3 here, after putting the values it is for x is equal to 3 12 minus 8 c 3 minus 3 into 8 c 3 12 c 3 that is 56 by 22 and the probability is 0.2546। Here is the mean and variance of the hypermetric probability distribution, आपको याद रखने हैं mean and variance क्या होता है और इसका probability density formula क्या होता है, ये आपको याद रखने हैं और इसकी properties, चार चीज़ें important होती हैं। mean and variance हमने binomial का पढ़ा था, उसका भी np था और उसका variance भी npq था, और hypergeometric में mean क्या है, mean mu से define करते हैं ऐसे population mean को, np है, लेकिन यहाँ p क्या, p है k over n,
और वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर दैट इज एन पी क्यू, सिर्फ बाइनोमियल में एन पी क्यू था, हाइपरमेट्रिक एन पी क्यू इनटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, दैट एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन फ्रैक्शन, दैट इज बेसिकली यूज्ड विद द वेरिएंस व्हेन वी डील विद द विदाउट सैंपलिंग प्रोसीजर, वेयर पी इज के ओवर एन अगेन लेबल्ड हियर एंड क्यू इज 1 ओवर के ओवर एन. For more example and statements, you may consult your book suggested by Sher Mohammad Chaudhary. That's all from my side. Thank you.